हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का। आपको उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी डायल किए गए नंबर होते हैं, जितने भी यहाँ से आपके रिसीव नंबर होते हैं, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और सबकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले सेटिंग का। आपको डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है शो इनकमिंग कॉल्स ऑन फुल स्क्रीन। अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी कॉल को फुल स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से ऑन कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है शो कॉन्टैक्ट फोटो। अगर आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट पर कोई भी फोटो शो करवाना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट पर आपको फोटो शो होने लगता है। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोर वाई नेम फॉर्मेट का। आप अपने यहाँ पे फ़ोन में कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कॉन्टैक्ट का शो करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस्ड का। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे साउंड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप बहुत ही सिंपल तरह से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिम कार्ड सेटिंग का। आपको सिम कार्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है करियर फीचर का। आपको करियर फीचर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एयरटेल पे क्लिक करना है। एयरटेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वॉइस मेल फिक्स डायलिंग नंबर्स। आप अपने फ़ोन में वॉइस मेल पे क्लिक करके अगर किसी भी फ्रेंड से आप बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते तो आप उसको यहाँ से वॉइस मेल सेंड कर सकते हो। उस तरह से सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग का। कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल ब्लॉकिंग का। आपको कॉल ब्लॉकिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड ए नंबर का। ऐड ए नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको बैक होना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।